आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, संसाधनों का संरक्षण। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था संसाधनों के बारे में, और आज हम बात करेंगे कि हम उन्हें संरक्षित कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर जो संरक्षण से हमारा अभिप्राय है वह है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का इस बुद्धिमता से प्रयोग करें कि वे मानव को अधिकतम समय के लिए अधिकतम लाभ पहुंचा सके। इससे हमारी वर्तमान पीढ़ी का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा और साथ ही प्राकृतिक संपदा की बर्बादी भी कम से कम करें, ताकि अपने आने वाली पीढ़ी के लिए हम पर्याप्त मात्रा में कुछ संसाधन छोड़कर जा सकें। ये सब हमें क्यों करना पड़ रहा है? संरक्षण इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि संसाधनों की जो संख्या है वो सीमित है, और काफ़ी सारे संसाधन ऐसे हैं जो समाप्य हैं। समाप्य का मतलब है कि एक बार वो खत्म हो गए तो दोबारा मनुष्य अपने जीवन काल में उनका पुनर्निर्माण नहीं कर सकता। तो इसलिए उनकी सीमित मात्रा को देखते हुए और उनकी समाप्यता को देखते हुए हमें उनका संरक्षण करना ज़रूरी होता है, ताकि हम उनको भविष्य वाली, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, जैसे हमारी पहले वाली पीढ़ी ने हमें कुछ संसाधन दिए हैं, वैसे ही हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम आने वाली पीढ़ी को भी संसाधनों को मुहैया करवाएं या उनके लिए वो उपलब्ध करवाएं। इसमें एक डेफिनेशन दे रखी है मिस्टर पिकेट हैगेट के द्वारा, वो है संसाधनों के संरक्षण का अर्थ संसाधनों के उपयोग को इस प्रकार कार्यान्वित करना है कि अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम समय के लिए अधिकतम उत्पादन प्राप्त हो। चूँकि मात्रा सीमित है, हम बात कर चुके हैं, तो संसाधन अगर सीमित मात्रा में है तो हमें बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना पड़ेगा, चाहे वो टेक्नोलॉजी के थ्रू करें हम, या अपने विवेक के थ्रू करें, या हम अपनी दिनचर्या को बदल करके करें, किसी भी प्रकार से करें। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य होगा कि जो उपलब्ध संसाधन है वो अधिकतम लोग इस्तेमाल कर सकें, अधिकतम समय के लिए कर सकें, और उससे अधिकतम उत्पाद हम प्राप्त कर पाएं। एक अन्य परिभाषा है मिस्टर जिमरमैन के द्वारा दी गई है, वो है संरक्षण का अर्थ संसाधनों की वर्तमान खपत को न्यूनतम स्तर पर रखना तथा भविष्य में लंबी अवधि के लिए आवश्यकताओं को पूरा करना है। ऐसा नहीं कि आज हम बंद करते हैं बिल्कुल, लेकिन जितनी हमारी ज़रूरतें हैं उनको मिनिमम रखते हुए, कम से कम रखते हुए। काम नहीं रोकने हैं हमें कोई भी, ना ही अपनी डेवलपमेंट को रोकना है, लेकिन हमें संसाधनों को इस प्रकार से इस्तेमाल करना है कि उनसे हमारा काम भी चलता रहे और वो भविष्य के लिए बचे रहें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी में उनका प्रयोग कर सकें। इसका मुख्य वजह क्या है कि क्यों इस कॉन्सेप्ट के बारे में हमें सोचना पड़ रहा है? तो जो सबसे पहला और मुख्य कारण है वह है जनसंख्या विस्फोट या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जितनी ज़्यादा मात्रा में जनसंख्या बढ़ती जाएगी उतने ही ज़्यादा मात्रा में हमें संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी। हमारी जनसंख्या अगर कम होगी तो हमें कम संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन पिछले 200 वर्षों में यह बात देखने में आई है कि हमारी जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से कि हमें संसाधनों का बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग करना पड़ रहा है। अगर हम बात करें 1800 शताब्दी, तो उस समय हमारी जनसंख्या थी लगभग 1 बिलियन, और वर्तमान में यानी कि लगभग 2020 की अगर हम बात करें तो ये संख्या 7.7 गुना बढ़ करके हो गई है आज 7.7 बिलियन। यानी कि 200 सालों के अंदर हमारी आबादी लगभग 7.5 गुना से ज़्यादा बढ़ गई है। यानी कि संसाधनों पर भी इतने ही गुना दबाव बढ़ गया है। पहले 18वीं शताब्दी से पहले जनसंख्या कम थी तो कम संसाधनों की आवश्यकता पड़ती थी, अब हमारी जनसंख्या बढ़ गई है तो हमें ज़्यादा संसाधनों की आवश्यकता पड़ रही है। और भविष्य में भी अगर हमने जनसंख्या को कंट्रोल नहीं किया, इस एक्सप्लोजन को नहीं रोका, तो ये स्थिति जो है और भी भयावह हो सकती है। इसलिए हमें सोचना पड़ता है कि हम संसाधनों का संरक्षण करें, ताकि भविष्य के लिए भी कुछ बचा रह सके। दूसरी जो बड़ी समस्या है हमारे लिए वो है रिवोल्यूशन इन इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी, या तकनीकी व औद्योगिक क्रांति। वैसे तो एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था कि हमने औद्योगिक चरण जितने भी प्राप्त किए हैं उनसे हमारी क्षमता बढ़ी है, हमने बढ़िया किस्म के उत्पादन पैदा करना शुरू कर दिया है। तो औद्योगिक क्रांति ने बहुत सारे लोगों को रोज़गार दिया है, बहुत सारी डेवलपमेंट की जो नए आयाम है वो शुरू किए हैं। लेकिन उसकी वजह से क्या दिक्कत हुई है? दिक्कत ये हुई है कि जहाँ संसाधनों को पहले हम सीमित मात्रा में इस्तेमाल कर पाते थे, क्योंकि उनके बारे में जो तकनीकी क्षमता हमें चाहिए थी वो उस समय उपलब्ध
नहीं थी, उन खनिजों को निकालने के लिए जो तकनीकी क्षमता चाहिए थी वो नहीं थी, खनिज पदार्थ को एक कच्चे माल के तौर पे इस्तेमाल करने की क्षमता हमारे पास नहीं थी, तो हम उन संसाधनों को इस्तेमाल ही नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे हमारी तकनीकी और औद्योगिक क्रांति आई है, चीज़ें डेवलपमेंट बढ़ती गई है, टेक्नोलॉजी हमारी इंक्रीज़ हो गई है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब हम जो है ज़्यादा मात्रा में संसाधनों को निकाल पा रहे हैं और ज़्यादा मात्रा में उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पिछले 150-200 सालों में तकनीकी और औद्योगिक क्रांति ने इसके ऊपर काफ़ी बुरा असर डाला है। तीसरी जो समस्या है वो है हमारी भौतिकवादी जीवन शैली और संसाधनों का कुप्रबंधन। भौतिकवादी जीवन शैली का मतलब है लग्जरियस लाइफ जीते हैं हम सब। पहले हम बाहर ठंडी हवा में बैठ जाते थे तो हमें एसी की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, हमें कूलर की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, लेकिन वर्तमान में हम पाते हैं कि ज़्यादातर जो गर्मी के दिनों में लोग हैं वो अपने अपने घरों के अंदर सिमट के रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनको एसी में ठंडी हवा हर समय उपलब्ध रहती है। तो जब एसी है वो किससे चल रहा है? बिजली से चल रहा है। और बिजली जो है वो किससे है? या तो कोयले से प्राप्त हो रही है या ऊर्जा कोई भी अन्य स्रोत है उससे प्राप्त हो रही है। तो वो संसाधन के ऊपर एक प्रकार से दबाव है जिससे कि हमें ज़्यादा मात्रा में खनिज पदार्थों की या अन्य जो संसाधन है उनका इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इसके अलावा है संसाधनों का कुप्रबंधन। कुप्रबंधन क्या है कि वेस्टेज बहुत करते हैं हम लोग। जैसे आपने कई ऑफिसेज देखे होंगे, वहाँ पर क्या है, एक कागज़ थोड़ा सा लिखा, इस्तेमाल किया, उसके बाद कागज़ को फाड़ा और फेंक दिया, या आपने किसी भी प्रकार की और चीज़ें हैं, लाइटें हैं वो बंद नहीं की ये सोच करके कि दो मिनट में कितना फ़र्क पड़ेगा, तो लाइटें चल रही हैं, पंखे चल रहे हैं, तो वो सब चीज़ें देखने में छोटी छोटी लगती हैं लेकिन वास्तव में वो किसी न किसी संसाधन का कुप्रबंधन है। तो इन तीनों प्रभावों की वजह से क्या हुआ कि हमने ज़्यादा मात्रा में संसाधनों का दोहन करना शुरू कर दिया और जितना ज़्यादा मात्रा में दोहन किया उतनी ही संसाधनों की मात्रा लगातार अब घटती जा रही है, जिससे ये संकट पैदा हो गया है कि शायद भविष्य के लिए हम कुछ भी संसाधनों को आने वाली पीढ़ी के लिए ना छोड़ करके जा पाएं। अब है कि कुछ लोगों को ये बड़ा एक मिसकंसेप्शन होता है, गलत फहमी है कि संरक्षण का अर्थ है कि वर्तमान में ही सारी चीज़ों के उत्पाद खपत पर रोक लगा दी जाए। ऐसा भी नहीं कर सकते हम, क्योंकि वर्तमान में भी जीवन को जीना जरूरी है, वर्तमान की ज़रूरतों को भी पूरा करना आवश्यक है, तो इसलिए बंद करना किसी चीज़ का उपाय नहीं हो सकता। ये एक मिसकंसेप्शन है कि बंद कर देंगे तो सब कुछ संसाधन ठीक हो जाएंगे। नहीं, हमें उनको जो है थोड़ा सा उपयोग करने का जो ढंग है उसे बदलना है, ना कि उसे पूरी तरह से बंद करना है। सबसे पहला हम ध्यान क्या रखेंगे? मितव्ययता से उपयोग। मितव्ययता का मतलब है कि जहाँ पर जितनी चीज़ की आवश्यकता है उतनी ही चीज़ का प्रयोग किया जाए। मात्र कार को धोने के लिए अगर 100 लीटर पानी व्यर्थ कर रहे हैं या 200 लीटर पानी बेकार कर रहे हैं तो वो हमारी जो है बेवकूफ़ी होगी, या हम संसाधनों के ऊपर अतिरिक्त दबाव बिना बात के बना देंगे। जबकि अगर हम मितव्ययता से प्रयोग करते तो कार भी धुल जाती और हमारे पानी की बचत भी हो सकती थी। दूसरी चीज़ है सक्षमता से उपयोग। हमने टेक्नोलॉजी की बात की थी अभी, उस टेक्नोलॉजी से हमने दुष्प्रभाव तो ये देखा कि हम ज़्यादा मात्रा में संसाधनों को निकालने लगे धरातल से, लेकिन उसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं कि हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग इस प्रकार से करें कि कम संसाधनों को प्रयोग करते हुए हम उससे अधिकतम उत्पादन को लें। इसी प्रकार से है विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना। कौन सी चीज़ आज ज़रूरी है और कौन सी चीज़ को टाला जा सकता है ये हमें सोचना है। कि कई बार क्या है कि आपको घर में एक गाड़ी है आपके पास, आपको दूसरी गाड़ी नहीं चाहिए लेकिन आप अपने केवल शौक के लिए दूसरी गाड़ी को खरीद रहे हैं, तो वो संसाधनों का एक प्रकार से बर्बादी है। अगर आपका काम एक गाड़ी से चल सकता है परिवार के सदस्यों के साथ तो हमें उसको एक गाड़ी तक सीमित रखना चाहिए। इसी प्रकार से एक ही एरिया से अगर चार आदमी एक विशेष जगह पर काम करने के लिए जाते हैं तो वो चारों अलग अलग गाड़ियाँ ना ले जा करके अगर एक ही व्यक्ति एक बारी में गाड़ी लेके जाए और चारों को बिठा करके ले जाए तो वहाँ पर भी हम जो है काफ़ी हद तक संसाधनों को बचा सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं विवेकपूर्ण ढंग से उसका उपयोग करना। अब हम करेंगे कि जो प्रकृति ने हमें संसाधन दिए हैं उन संसाधनों का हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं। तो एक एक करके हम इनको संसाधनों को यहाँ पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मिट्टी या मृदा। मृदा में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो है मिट्टी के अपरदन की। तो उस अपरदन को हम कैसे रोक सकते हैं और मिट्टी का बचाव कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हम एक एक करके अभी पढ़ते हैं। सबसे पहले है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण से मतलब है हमारा कि हम ज़्यादा मात्रा में जो है पेड़ों को बोने का काम, लगाने का काम करें। ऐसा करने से हमें तीन फायदे मिलते हैं। पहला तो यह है कि जो पेड़ होते हैं वो अपनी जड़ों के साथ साथ जो है मिट्टी को जोड़ करके रखते हैं और उस मिट्टी को टूटने से या बिखरने से बचा के रखते हैं, तो मिट्टी का कटाव वहाँ पर रुक जाता है। दूसरी वजह ये होती है कि जो हमारे पेड़ हैं वो हवा की तेज़ गति को मंद करने का काम करते हैं।
और हवा की गति जितनी मंद होगी वो उतना ही कम मिट्टी का अपरदन करेगी, उसको मिट्टी को उड़ा के ले जाने की जो क्षमता है उसकी वो उतनी ही कम हो जाएगी। इसी प्रकार से जो पेड़ लगे हुए होते हैं वो पानी के बहाव को भी कम कर देते हैं, और पानी का बहाव जो है वो भी जितना कम होगा उतना ही मिट्टी का कटाव कम होगा। तो वृक्षारोपण जो है वो मिट्टी के अपरदन को रोकने का एक बेहतरीन उपाय है। इसके बाद है बांध बनाना। ज़्यादातर जो मिट्टी का कटाव है वो पानी के द्वारा किया जाता है, खासतौर पे अगर हम भारत की बात करें तो मॉनसून के दिनों में हम पाते हैं कि बहुत सारी जो नदियां हैं वो ओवरफ्लो हो जाती हैं, यानी कि उनमें ज़्यादा पानी हो जाता है और वो फिर आसपास के क्षेत्र में मिट्टी के कटाव का काम शुरू कर देती हैं। तो उस स्थिति से बचने का तरीका क्या है कि आप जो है छोटी नदियों के ऊपर जो खासतौर पर हिमालय क्षेत्र से आती हैं उनके ऊपर छोटे छोटे बांध बना दें। तो वो छोटे बांध बनाने का फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि तो उनका खर्चा कम होता है और उनको जल्दी से तैयार किया जा सकता है, जबकि एक बड़ा बांध बनाने में आपको समय भी ज़्यादा लगता है, खर्चा भी ज़्यादा लगता है, तो कई बार वो बनाना मुमकिन नहीं होता। तो छोटी नदियों पर छोटे छोटे डैम बनाने चाहिए। उससे क्या होगा कि जो हमारा बरसात के दिनों में पानी, मानसून के समय में जो ज़्यादा पानी बढ़ जाता है अचानक नदियों में, उसको बांध बना करके पहले ही रोका जा सकता है, और अगर वो पहले रुक जाएगा तो वो पानी जो है मिट्टी के अपरदन को नहीं कर पाएगा। उसके और फायदे भी हैं कि वो जो पानी आपने रोका है बाद में आप उसको बिजली उत्पादन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जब मॉनसून के बाद के समय है, यानी कि जब पानी की कमी होनी शुरू हो जाती है बाद में, उस दौरान आप उस रोके हुए पानी को धीरे धीरे करके नहरों के थ्रू या किसी अन्य स्रोत से आप उन खेतों तक दोबारा पहुँचा पाएंगे। तो बांध बनाना जो है वो एक मिट्टी के अपरदन को रोकने का हमारा दूसरा महत्वपूर्ण साधन है। तीसरा है पशु चारण पर नियंत्रण। पशु चारण में कुछ जगह पे अभी भी क्या है कि पशुओं को चराने के लिए जो है वो खुले में ले जाया जाता है। अब वहाँ पर क्या है कि पशु चारण वो तो है तो आसान तरीका वो, लेकिन उससे मिट्टी का अपरदन जो है वो ज़्यादा मात्रा में होता है। कैसे कि जो पशु हैं जब वो अपने दांतों से घास को खींचते हैं तो उस घास की जो जड़ें हैं वो अपने साथ मिट्टी को भी खींच करके ले आती हैं, और वो मिट्टी जो है मुख्य भूमि से फिर अलग हो गई, उसको बहाना और उड़ाना दोनों ही काफ़ी आसान हो जाते हैं। और दूसरा है कि पशुओं के जो खुर हैं वो काफ़ी सख्त होते हैं, तो जब वो घास के मैदानों पर चलते हैं तो उन खुरों के जरिए भी काफ़ी सारी मिट्टी जो है वो उखड़ जाती है, और बाद में वो पानी या हवा के थ्रू बह करके या उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। तो पशु चारण पर जो है हमें नियंत्रण रखना पड़ेगा। इसके बाद है अवनालिकाओं को भरना। पानी जब शुरू में कटाव शुरू करता है तो वो बहुत ही एक पतली सी धारा होती है जो मिट्टी को काटने का काम कर रही होती है। तो अगर आप उस धारा को शुरू में ही पहचान लें कि ये अभी कटाव होना शुरू हुआ है, और उसी समय आप उसको मिट्टी से भर दें, तो वो अवनालिका को और चौड़ा होने से या और गहरा होने से हम बचा सकते हैं, और वो जितनी जल्दी भर देंगे उतना ही मिट्टी का कटाव कम होगा। अगर हम थोड़ा समय वेट करते रहेंगे कि कोई बात नहीं अभी भर देंगे, कल भर देंगे, ऐसे करेंगे, तो वो अवनालिका क्या होगा लगातार बड़ी होती जाएगी, गहरी होती जाएगी, जिससे क्या है कि मिट्टी का जो अपरदन है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो इसलिए अवनालिकाओं का जैसे ही आपको पता चल जाता है तुरंत उनको भरने का काम हमें शुरू कर देना चाहिए। इसके अलावा है कि कृषि प्रणाली, उसमें काफ़ी सारे सुधारों की गुंजाइश हमारे पास हमेशा रहती है, और उसमें सुधार करके भी हम मिट्टी के कटाव को भी रोक सकते हैं और उसकी जो उपजाऊ शक्ति है उसको भी बढ़ा सकते हैं। जैसे जो हमारे हिमालय का क्षेत्र है उसमें आप, या कोई भी और पहाड़ी क्षेत्र है उसमें आप सीढ़ीदार नुमा खेत बना करके जो है वो कटाव को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं और कृषि का उत्पादन भी उसमें बेहतर रहता है। इसके अलावा है समोच्च रेखीय जुताई करना, इसमें भी आप मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। फिर है फसलों का चक्रण। चक्रण का मतलब है कि एक ही प्रकार की फसलें अगर आप लगातार मिट्टी में बोते रहेंगे तो उसमें उपजाऊ शक्ति कम हो जाएगी, और अगर आप उसमें बदल बदल के फसलें बोएंगे, जैसे बीच बीच में आप दालें बो देते हैं, सेम बो देते हैं, या कोई और अन्य फसल बो देते हैं, तो लगातार गेहूं बोना या लगातार चावल बोना, उससे क्या है कि उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति लगातार क्षीण होती चली जाती है। लेकिन अगर आप बदल बदल के बोएंगे तो उसमें क्या है कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहेगी। इसके अलावा है कि हवा के समकोण पर जुताई करना, और इसी प्रकार से जब हम कटाई करते हैं किसी फसल की तो उसमें 30 से 50 सेंटीमीटर का अगर डंठल छोड़ दें तो वो डंठल क्या है मिट्टी को बांधे रखने का काम करता है, और वो हवा के द्वारा या पानी के द्वारा उस मिट्टी को बहने से या उड़ने से रोक देता है। अब है दूसरा जो एक महत्वपूर्ण संसाधन है हमारे पास, वो है जल। जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, और जल को जो है अगर हम जितना सहेज के रख सकें उतना ही हमारे लिए, मानव जीवन के लिए भी और वन्य जीवों के लिए भी या वनस्पति है उनके लिए भी, ये एक बहुत ज़रूरी तत्व रहता है। तो इसको हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं? सबसे पहले है न्याय संगत उपयोग, यानी कि घरेलू जीवन शैली जो है हमारी वो ऐसी बन चुकी है
कि जब तक हमारे पास पानी भरपूर मात्रा में उपलब्ध होता है तो हम उसको पूरा आराम से इस्तेमाल करते हैं। हमारी जीवन शैली है जिसमें कि हम पानी को बहुत ही एक सस्ता सा उपाय मान करके कि ये कितना महंगा है, कुछ ज़्यादा इसकी कीमत तो है नहीं, हम उसको बिना ज़रूरत के भी इस्तेमाल करते रहते हैं। तो हमने इसको जो है इसके मूल्य से नहीं जोड़ना, बल्कि ये मानना है कि जब कभी भी आप सोच करके देखिए कि आपके पास जब प्यास लगी होती है, अगर उस समय आपको एक गिलास पानी ना मिले तब हमें उसके मूल्य का पता चलेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी जीवन शैली में, यानी कि जहाँ पर ज़रूरत ना हो वहाँ पर हम पानी को कम से कम इस्तेमाल करें। जैसे गाड़ी धोने के लिए आप पाइप की बजाय बाल्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, फर्श साफ़ करने के लिए आप बजाय पाइप के आप पोछा इस्तेमाल कर सकते हैं, नहाने के लिए आप फुहारे की बजाय बाल्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा करने से क्या है कि आप हज़ारों लीटर पानी बचा लेंगे। दूसरा है सिंचाई तंत्र में जल का उचित प्रबंधन। बहुत बार होता है, हमने देखा है किसानों को कि उनकी जब बारी होती है तो वो अपना पानी, जब भी चाहे फसल को ज़रूरत है या फसल को ज़रूरत नहीं है, वो सिंचाई कर देते हैं उस पानी से। लेकिन हर फसल की अपनी एक ज़रूरत है। अगर उसको कम पानी की ज़रूरत है किसी फसल को, जैसे गेहूं है, उसको चावल की तुलना में कम पानी चाहिए, तो अगर आप उसमें ज़्यादा सिंचाई के लिए पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो फसल का भी नुकसान कर रहा है और पानी का भी नुकसान हो रहा है उसके अंदर। दूसरी जो हम ध्यान रखने की चीज़ है वो ये कि हमें अपने क्षेत्र के अनुसार, यानी कि आपके क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है और कितना पानी उपलब्ध है, उसके अनुसार ही अगर हम फसलों का चयन करेंगे तो हमें पानी की समस्या जो है उससे निजात मिल सकती है। क्योंकि फसलों का चुनाव जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। आप बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि वो चावल की कृषि करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद उसमें मुनाफा ज़्यादा है, लेकिन वो मुनाफा तभी मिलेगा जब आपका उत्पादन अच्छा होगा। लेकिन चावल के लिए जितना पानी चाहिए वो हमेशा आपके क्षेत्र में अगर उपलब्ध नहीं है तो या तो आप अंडरग्राउंड वाटर पर डिपेंड करेंगे या आप ट्यूबवेल पर डिपेंड करेंगे। तो उस स्थिति के अंदर क्या है कि या तो भूमिगत जल स्तर बहुत नीचे चला जाएगा, या ट्यूबवेल आप चला रहे हैं तो भी भूमिगत जल भी नीचे जाएगा, साथ में बिजली का खर्च भी जुड़ जाएगा, तो वो वहाँ पर न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। तीसरा है कि नदियों के ऊपरी अपवाह क्षेत्र में छोटे छोटे बांध बनाकर जल सिंचाई के लिए उपयोग करना। ये बात अभी हमने मिट्टी के बारे में भी जब की थी तब भी की थी कि जो छोटी नदियाँ होती हैं उनके ऊपर अगर छोटे छोटे डैम बना दिए जाएँ तो वो ना केवल आपका पानी को बचाने का काम करेंगे बल्कि जो बाढ़ आने वाली स्थिति थी उसको बचा देंगे, मिट्टी के कटाव को रोक देंगे, बिजली बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है, जब सूखा पड़ेगा उस दौरान उस पानी का इस्तेमाल आप अन्य चीज़ों के लिए कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम नदियों के पानी को वो जो है वो छोटे छोटे बांध बना करके एक जगह पर रोकने का काम करें। नदियों के ग्रिड का निर्माण, इसी प्रकार से जो आप अगर नदियों को आपने आपस में जोड़ रखा है तो आप क्या करेंगे, एक नदी में जब पानी ज़्यादा हो गया तो उस पानी को किसी ऐसी नदी की तरफ शिफ्ट कर देंगे जहाँ पर पानी का स्तर अभी कम है, तो उससे बाढ़ से भी बचा जाएगा और जहाँ कहीं पानी की कमी है उसकी पूर्ति भी हो पाएगी। इसके बाद है नहरों को पक्का करना। आमतौर पे अभी हमने देखा है कि ज़्यादातर नहरें वैसे तो पक्की की जा चुकी हैं, लेकिन फिर भी जिस क्षेत्र में अभी भी कच्ची नहरें हैं, यानी कि जिनके किनारे जो है अभी भी मिट्टी के हैं, वहाँ पर जो है हमें उनको पक्का करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो कच्ची मिट्टी है आसपास की वो उस पानी को अपने अंदर सोखती रहती है, या पानी का जो रिसाव है उस मिट्टी के अंदर होता रहता है, जिससे क्या है कि पानी की एक बड़ी मात्रा वो आखिर में टेल तक पहुंचने की बजाय वो रास्ते में ही मिट्टी के द्वारा शोषित कर ली जाती है। तो वो फ़ायदा जो सबको मिलना चाहिए वो आखिर वाले जो लोग हैं, यानी कि जिनको टेल पर जो पानी चाहिए उन तक वो पानी पहुंच ही नहीं पाता, और जो सोखा गया है मिट्टी के द्वारा पानी वो कई बार फसलों को जो आसपास के नहर के आसपास के खेत हैं उनको नुकसान करने का काम भी करता है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क कृषि भूमि प्रणाली का विकास। जिन क्षेत्रों में कम बारिश होती है या कम पानी उपलब्ध होता है उन क्षेत्रों के अंदर हमें सिंचाई के लिए जो है वो ऐसे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए जिसमें कम पानी से आप बेहतर फसल ले सकें, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकल इरिगेशन, यानी कि जिसके अंदर आप पौधे के सीधा जड़ों में पानी डालते हैं जिससे कि ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल पौधे के उसी हिस्से को पानी मिलता है जहाँ पर उसको ग्रोथ के लिए वो पानी ज़रूरी है। इसके बाद है समुद्री तल को आसवन द्वारा पीने योग्य बनाना, डिस्टिलेशन। समुद्र में हमारे पास अपार पानी है, कोई कमी नहीं है, लेकिन वो चूंकि पीने योग्य नहीं होता या घर में इस्तेमाल करने के लायक नहीं होता, इसलिए उतना सारा बहुत मात्रा में पानी होने के बावजूद भी हम उसको अपने दैनिक जीवन के लिए उपयोग में नहीं ला सकते। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि हमें एक ऐसी तकनीक विकसित करनी पड़ेगी जिससे कि हम कम कीमत पर जो समुद्री पानी है उसको पीने योग्य या घरों में इस्तेमाल करने योग्य बना सकें। औद्योगीकरण व नगरीकरण में प्रदूषित जल का उपचार। बहुत बार देखा है कि कोई नदी या नहर जब किसी शहर के बीच से गुजरती है तो जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट उस नदी या नहर में डालना शुरू कर देती हैं, और वो जो पीछे से साफ पानी आ रहा था उसमें जैसे ही वो वेस्ट प्रोडक्ट मिलता है तो वो सारा पानी खराब हो जाता है।
ऐसे ही नगरों से निकलने वाला जो वेस्ट है, जैसे सीवरेज का है पानी, वो भी कई बार हम सीधा नदियों के अंदर या नहरों के अंदर छोड़ देते हैं, जिससे कि जो साफ पानी है वो भी पूरी तरह से गंदा हो जाता है। तो उस जो हमें अवशिष्ट पदार्थ हैं या जो गंदे पदार्थ हैं वो हमें डायरेक्ट नदी में या नहर में नहीं डालने हैं, इसका प्रबंध हमें नगरों के स्तर पर करना पड़ेगा। वर्षा के जल को भूमिगत टंकियों में इकट्ठा करके घरेलू उपाय के लिए प्रयोग, घरेलू कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं, तो उसके आपको दो फायदे हैं। एक तो आपको पानी उपलब्ध हो गया, दूसरा वही पानी अगर आप उस टंकी में नहीं जोड़ते तो क्या होता कि वही पानी बह करके सड़कों के ऊपर चला जाता, जिससे सड़कों के ऊपर पानी के जमाव की समस्या पैदा हो जाती और सड़कों के टूटने की समस्या भी पैदा हो जाती है। तो इन दोनों चीज़ों से बचने का तरीका यही है कि आप उस पानी को सड़कों तक ना जाने दें, बल्कि घरों के अंदर ही अपने टैंक के अंदर स्टोर करें और बाद में उसको इस्तेमाल कर लें। एक अन्य संसाधन है वायु। वायु के अंदर जो है कई बार अशुद्धियां आ जाती हैं, वो अशुद्धियां औद्योगिकरण की वजह से हो सकती हैं, ज़्यादा वाहनों के चलने की वजह से हो सकती हैं, ज्वालामुखी फटने से हो सकती हैं, अनेक प्रकार की जंगलों में लगने वाली आग कई बार है उसकी वजह से हो सकती है। तो वो अशुद्धियाँ अगर आ जाती हैं तो वो वायु प्रदूषित हो जाती है और सांस लेने योग्य नहीं रहती। तो उसको साफ रखने का क्या तरीका हो सकता है, उसको संरक्षित करने के क्या उपाय हो सकते हैं, उसमें सबसे पहले है स्वच्छ ऊर्जा चलित वाहनों का विकास। यानी कि हम जो वाहन चलाते हैं जिसमें हम पेट्रोल या डीजल का इस्तेमाल करते हैं, तो पेट्रोल और डीजल दोनों ही जो हैं वो वायु को दूषित करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो उससे बचने का उपाय क्या है कि आप ऐसी गाड़ियों का आविष्कार करें जो या तो बैटरी से चलती हों या CNG से चलती हों, जिनसे के प्रदूषण का स्तर काफ़ी कम होता है। तो जैसे जैसे हम तकनीकी विकास करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी गाड़ियों में अगर CNG और बैटरी का प्रयोग बढ़ता जाएगा तो वायु का जो प्रदूषण है उसमें काफ़ी मात्रा में कमी आ जाएगी। दूसरा है वाहनों और औद्योगिक मशीनरी का उचित रखरखाव या उनकी मेंटेनेंस करना। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि मशीनें हों चाहे स्कूटर कार हो, उनमें को आप लंबे समय तक 6 महीने साल भर लगातार इस्तेमाल करते हैं, तो घर्षण की वजह से कह लीजिए, तो उसमें क्या होता है कि एक प्रकार का जमाव शुरू हो जाता है और वो आपकी फ्यूल की एफिशिएंसी को काफ़ी हद तक कम कर देता है, जिससे आपको अगर वाहन आप चला रहे हैं तो उसकी जो एवरेज है वो कम हो जाएगी, प्लस वो आवाज़ करना शुरू कर देगा, ज़्यादा प्रदूषण फैलाना शुरू कर देगा। लेकिन जैसे ही आप उसकी सर्विसिंग करवाएंगे तो सर्विसिंग के दौरान क्या होगा कि उसके अंदर जो कचरा जमा हो गया है वो साफ हो जाएगा, उसके अंदर जो ऑयल है वो चेंज होने से उसमें लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, जिससे कि उसकी क्षमता मशीन की जो कार्य करने की है वो मोटर की बढ़ जाएगी, जिससे वो प्रदूषण भी कम करेगी, आवाज़ भी कम करेगी और आपकी जो फ्यूल की एफिशिएंसी है उसको भी बढ़ा देगी। यही चीज़ उद्योग पर लागू होती है। मशीनें जब चलती हैं तो लगातार चलने की वजह से उनमें भी घर्षण होने से काफ़ी सारे जो गंदगी है वो जमा हो जाती है, तो समय समय पर अगर आप उसको ट्यून करवाते रहें, साफ़ करवाते रहें, तो वो गंदगी साफ़ होती रहेगी। अगर उसकी ऑयलिंग करते रहें तो वो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और वो कम मात्रा में प्रदूषण करेगी। उद्योगों में मार्जक, अवक्षेपक और फिल्टर्स का प्रयोग करना, ये स्क्रबर्स, प्रेसिपिटेटर्स भी और फिल्टर्स भी कहते हैं हम इन्हें, इनका प्रयोग करने से क्या फ़ायदा है कि आमतौर पर आप देखेंगे कि फैक्ट्रियों के अंदर जो है एक चिमनी लगी होती है जो काफ़ी ऊंची होती है और उसमें से लगातार कई बार काला धुआं निकलता हुआ हमें दिखाई देता है। लेकिन अगर हम उस चिमनी में धुआं छोड़ने से पहले उस चिमनी के आसपास ही हम उसके अंदर मार्जक लगा दें या प्रेसिपिटेटर्स लगा दें या फिल्टर्स लगा दें तो क्या होगा कि वो जो धुआं है वो सारा का सारा वायुमंडल में जाने की बजाय इन फिल्टर्स के द्वारा पहले सोख लिया जाएगा और उसकी बहुत कम मात्रा है जो आपके ऊपर वायुमंडल में जाएगी। तो जितनी मात्रा में आप उसको रोक पाएंगे उतना ही वायु का प्रदूषण कम होगा, और अगर वो फिल्टर्स भर जाते हैं या खराब हो जाते हैं तो उनको भी समय समय पर हमें बदल देना चाहिए। इसके बाद है प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों पर प्रतिबंध लगाना। सभी उद्योग प्रदूषण फैलाते हों ऐसा तो नहीं है, लेकिन कुछ उद्योग जो पुराने हो चुके हैं या जो पुरानी मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं या जिनके पास टेक्निक अच्छी नहीं है, वो मशीनें जो हैं ज़्यादा मात्रा में प्रदूषण करती हैं। तो हमें चाहिए कि हम समय समय पर उद्योगों की जाँच करते रहें। ऐसी औद्योगिक इकाइयाँ जो ज़्यादा मात्रा में, एक मानक से ज़्यादा मात्रा में प्रदूषण कर रही हैं, उन इकाइयों को या तो मशीन बदलने के लिए या उनकी मेंटेनेंस के हिसाब से उनकी सर्विसिंग के लिए या उनको बंद करना है, तो तीनों में से कोई भी काम करना पड़े, लेकिन अगर वायु को बचाना है तो हमें उस पर कठिन जो है कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसके अलावा है कि सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों में हम पटाखे और आतिशबाजी ये काफ़ी मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। विशेष तौर पर अगर हम भारत की बात करें तो हमने देखा है कि दिवाली के टाइम पे हम बहुत ज़्यादा मात्रा में पटाखे और आतिशबाजी का इस्तेमाल करते हैं।
इवन शादियों में भी आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी आतिशबाजी इस्तेमाल में लाई जाती है, लेकिन इसका भारी नुकसान हमें बाद में चुकाना पड़ता है, क्योंकि वायुमंडल में दिवाली के बाद आप पाएंगे कि कई दिनों तक एक स्मोग छाया रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग पटाखे शाम को चलाते हैं और उसका जो धुआं है वो कुछ दिनों तक वायुमंडल में समाया रहता है और वो सांस के जरिए हमारे शरीर में जाता है, तो वो वायु को प्रदूषित भी करता है और हमारे स्वास्थ्य को भी ख़राब करता है, तो हमें ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। जीवन शैली में सुधार, जीवन शैली में सुधार का मतलब यहाँ पर यह है कि हम बहुत चीज़ों के अंदर ये ध्यान नहीं देते कि हम खुद भी वायु प्रदूषण करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। कैसे? अगर आप 100 मीटर की दूरी पर भी जाना है तो वहाँ पर आप पैदल जा सकते हैं, लेकिन आप वहाँ पैदल ना जा करके कैसे जा रहे हैं? आप मोटर गाड़ी से वहाँ जा रहे हैं या आप स्कूटर से वहाँ जा रहे हैं, तो अब आप स्कूटर यूज़ कर रहे हैं या आप जब भी गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप पेट्रोल या डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है? प्रदूषण बढ़ रहा है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जैसे कुछ मीटर पर ही जाना है या कुछ दूरी पर ही जाना है, तो वहाँ हमें ऐसे इंजनों का यानी कि स्कूटर कारों का इस्तेमाल ना करके हमें जहाँ तक संभव हो पैदल हम जाएँ वहाँ पर और वो कार्य करके आएँ, ताकि आपको जो है वो वायु प्रदूषण में कुछ हद तक नियंत्रण करने में मदद मिल पाए। जंगलों में लगने वाली आग पर नियंत्रण, आमतौर पर जंगल, घने जंगल खासतौर पर जहाँ पाए जाते हैं वहाँ पर गर्मी के दिनों में कई बार आग लगने की घटनाएँ हो जाती हैं। वो कई बार मानवीय कारकों से भी हो सकती हैं, लेकिन कई बार वो अपने आप भी लग जाती हैं। तो दोनों ही स्थितियों के अंदर हमें वायुमंडल के अंदर भारी प्रदूषक पदार्थ उससे प्राप्त होते हैं, क्योंकि कार्बन के कण हैं जो हरी पेड़ों के जलने से आपको वायुमंडल में मिल रहे हैं और वो उसको लंबे समय तक प्रदूषित रखते हैं। तो ऐसी आग पे उपाय रोकने के लिए हमें जो है उपाय पहले से करने चाहिए, क्योंकि पता है कि गर्मियों का सीज़न है तभी ये ज़्यादा मात्रा में आग लगती है। तो आप गर्मियों के सीज़न से पहले ही जो है अपने अग्निशामक यंत्र या जो वहाँ पर पानी पहुँचाने की व्यवस्था है कि कहीं आग लग जाए तो तुरंत पानी कैसे पहुँचाया जा सकता है, कोई भी अन्य उपाय, या पहली बात तो आग लगने से ही बचाना चाहिए, लेकिन अगर लग गई है तो कितनी जल्दी से जल्दी उसको बुझाया जा सके इसके हमें उचित प्रबंध करने चाहिए। इसके अलावा है वृक्षारोपण। आप जितनी ज़्यादा मात्रा में वृक्ष लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा मात्रा में जो है वायु शुद्ध रहेगी, क्योंकि जो पेड़ हैं वो हमारी हेल्प करते हैं ऑक्सीजन छोड़ने में और कार्बन को ग्रहण करने में। तो ऑक्सीजन हमें चाहिए होती है तो पेड़ वो ऑक्सीजन छोड़ने का काम करते हैं, और जो कार्बन हमें नुकसान पहुंचाती है उसको वो सोखने का काम करते हैं। तो वृक्षारोपण जो है वो भी वायुमंडल की शुद्धता के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा है एक अन्य संसाधन, वन संसाधन, फॉरेस्ट है, जो बहुत सारी चीज़ों में हमें मदद करता है। तो पहले जो हम उसको सब्स्टिट्यूट कंजर्व करने के लिए कर सकते हैं वो है लकड़ी के प्रतिपूरक का विकास, सब्स्टिट्यूट। आमतौर पर हमने देखा है कि हम लकड़ी का बहुत ज़्यादा मात्रा में फर्नीचर बनाने के लिए, दरवाजे बनाने के लिए, खिड़कियाँ बनाने के लिए लकड़ी का भारी मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, और अब जब जनसंख्या बढ़ रही है, मकानों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो लकड़ी की मांग भी उसी अनुपात में बढ़ती जा रही है, लेकिन उनकी पूर्ति करने के लिए हमें ज़्यादा मात्रा में अब पेड़ काटने पड़ रहे हैं, और पेड़ों को हम उतनी मात्रा में दोबारा लगा नहीं रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि वनों की जो संख्या है या वनों का जो आकार है वो लगातार कम होता जा रहा है। तो उसको बनाए रखने का उपाय क्या है? एक तो नए नए पेड़ लगाना, वो तो एक उपाय है ही, इसके अलावा ये है कि हमें दरवाजे, खिड़कियां या फर्नीचर जो है वो बजाय लकड़ी के किसी अन्य विकल्प, जैसे कि प्लास्टिक की कुर्सियां आजकल आने लग गई हैं, प्लास्टिक के दरवाजे आने लगे, तो वैसे विकल्प पर हमें विचार करना चाहिए। उससे हम दीमक से भी बच पाएंगे और हमारा खर्च भी कम रहेगा और पेड़ों को ज़्यादा नुकसान हम नहीं पहुँचाएंगे। इसके अलावा है जहाँ वन काटने जरूरी भी हो, मान लीजिए कहीं ऐसी जगह के जहाँ लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो वैसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं कि जहाँ पेड़ काटे गए हैं उसी अनुपात में वहाँ दोबारा से नए पेड़ उगा दिए जाएं, ताकि उनकी पूर्ति हो सके। जो छोटे पेड़ हैं उनके वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध, यानी कि जो पेड़ अभी ज़्यादा बड़े नहीं हुए हैं, छोटे पेड़ हैं, उनको अगर हम काटेंगे तो हमें कम लकड़ी मिलेगी, तो उस लालच से बचना चाहिए हमें कि छोटे पेड़ की बजाय हमें उस पेड़ को पूरा बड़ा होने तक, उसकी ग्रोथ होने तक हमें वेट करना चाहिए, और जब वो भरपूर बड़ा हो जाए, पर्याप्त बड़ा हो जाए, तब हम उससे अगर लकड़ी काटेंगे या प्राप्त करेंगे तो वो हमें ज़्यादा मात्रा में हमेशा प्राप्त होगी और पेड़ों का कम नुकसान होगा। वनों में लगी आग पर समय तथा प्रभावी तरीके से काबू पाया जाना चाहिए। इसकी बात अभी हमने की थी जब वायुमंडलीय प्रदूषण की बात की थी कि जंगलों में अचानक आग लग जाती है, कि आपके जो वनों में लगने वाली आग है वो प्रदूषण तो कर ही रही है, साथ में वनों की मात्रा में भारी नुकसान कर रही है। वनों का क्षेत्र काफ़ी बड़ा जल जाता है तो वो दोबारा पूर्ति होने में कई वर्ष लग जाते हैं, तो हमें उसको रोकने के उपाय करने चाहिए। वनों को बीमारियों से बचाने के लिए, कि पेड़ों में अनेक प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं, घरों में भी हमने देखा है दीमक अगर लग गई एक बार तो पूरी खोखला बना देती है वो उसको, तो ऐसे ही अनेक प्रकार की अन्य बीमारियां भी हैं दीमक के अलावा भी, जो पेड़ों को खोखला कर देती हैं या ख़त्म कर देती हैं जड़ से। तो ऐसी बीमारियों का हमें समय समय पर चेक करते रहना चाहिए कि किसी क्षेत्र में अगर कोई बीमारी लग गई है तो उसका तुरंत उपाय किया जाए, ताकि
आपको जो है वो ज़्यादा नुकसान पेड़ों का या लकड़ी का ना हो। वनों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना, अपनी आने वाली पीढ़ी है उसको हमें बताना चाहिए कि ये वन हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। अगर हम उनको उनका महत्व बताएंगे, उनके जो मिलने वाले फ़ायदे हैं उसके बारे में बताएंगे, तो वो लोग भी जागरूक हो जाएंगे और वो वनों को काटने से बचेंगे और जो भी लकड़ी का विकल्प हो सकता है उसको अपनाने पर वो ज़्यादा विचार करेंगे। अब है कुछ प्रश्न जो छोटे भी हैं और थोड़े से बड़े भी हैं। ये चार प्रश्न जो हैं ऊपर वाले, ये इनका उत्तर आपको 3 से 4 पंक्तियों में देना है और ये सामान्यतः प्रत्येक यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं और इनके 2 अंक जो हैं आपको प्रदान किए जाते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल इसमें आपको लिखने की आवश्यकता नहीं होती। ये प्रश्न जो है, जैसे पहला प्रश्न है, संसाधनों के संरक्षण से आपका क्या अभिप्राय है, तो आपको 3 से 4 लाइन में कंजर्वेशन किसे कहते हैं उसके बारे में बताना है। दूसरा है, वायु प्रदूषण के 2 प्राकृतिक कारण बताइए। सोच करके देखिएगा आप कि कौन कौन से ऐसे प्राकृतिक कारक हैं जो वायु को प्रदूषित करते हैं। तीसरा है, मृदा की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए किए जाने वाले कोई 2 उपाय बताइए, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को जो बनाए रखने में आपको मदद करते हों। चौथा है, संरक्षण मानव के लिए क्यों आवश्यक है, हमें कंजर्वेशन की क्यों ज़रूरत पड़ती है, इसके बारे में डिटेल नहीं लिखनी है, केवल मात्र 3 से 4 लाइनों में इसका जवाब आपको देना है। एक ऐसे टाइप क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, जिसको आप डिटेल में लिखेंगे, वो है, संरक्षण की परिभाषा देते हुए समझाएं कि विभिन्न संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। पहले तो संरक्षण के बारे में बताएं और फिर उसका महत्व थोड़ा सा बताएं और फिर 3-4 जो महत्वपूर्ण हमारे संसाधन हैं उनको कैसे संरक्षित किया जा सकता है उसके बारे में आप डिटेल में इसके अंदर चर्चा करेंगे। और इसके लिए अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप अपने टीचर की भी सहायता ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।